हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आपको बहुत सा कि जो हमारे साइंस के चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े, आपको ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। तो वापस आज हम समरी से चालू करने वाले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी 10 से ज़्यादा पेज का है, तो आपको कंटालना है तो समझ लो, ठीक है। अगर आपको कंटालना है तो कंटालो, और आपके जो ये चैप्टर में पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि आप बोर हो चुके होंगे, आपके माइंड में कुछ घुसेगा नहीं। समरी मतलब क्या होता है? समरी मतलब जो होता है ना, समरी मतलब चैप्टर के बीच में से जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर समरी और ये कीवर्ड्स में से ही पूछे जाते हैं। तो मैं समरी और कीवर्ड्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको लगेगा पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा है। देखो गाइस 16 पेज की पेजेस का है, तो चलो समरी पढ़ते हैं। और समरी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, ठीक है ना। समरी लर्न करने की जरूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है समरी को, ठीक है ना। चैप्टर को समझने का ज़रूरत है समरी को। अगर आपने समरी समझ ली तो चैप्टर भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जो सराउंडिंग्स होती है वहाँ पर जहाँ पे प्लांट एनिमल्स रहते हैं जो बोलेंगे उनके हैबिटेट। तो ये भी आपने पढ़ाई है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर देयर सेम हैबिटेट। जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो शेयर करते हैं उनके कुछ सेम हैबिटेट्स हमारे साथ, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एन हैबिटेट विद एनिमल प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्शन एडेप्टेशन। तो एक ही चीज़ को अगर वहाँ पर आदत है, अगर जैसे अभी आप हो, अभी आप इंडिया के, हैबिटेट है वहाँ पे भी लोग वैसे ही खाते। अगर अमेरिका वाले लोग इंडिया में आए गए तो वही वो बोलेंगे अमेरिका वाला खाना, उनका उनका अलग ही खाना होता है, ठीक है ना। उनमें पिज्ज़ा ये सब होता है। हमारे इंडियन में क्या होता है, हमारे नेशनल फूड्स होते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हमारा जो इंडिया है वो हमारा हैबिटेट है, हमारा जो घर है, अवर होम इज अवर हैबिटेट, ठीक है। वैसे ही प्लांट का भी उनका खुद का हैबिटेट होता है, प्लांट का एनिमल्स का भी उनका खुद का हैबिटेट होता है। बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं अलग अलग। हाउएवर कोई प्लांट पे रहता है, कोई लैंड पे, सॉरी कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर पे रहता है, तो कोई कहाँ पर, कोई सी पे रहता है, कोई कहाँ पर, जिसको उसका हैबिटेट पता है, ठीक है ना। देयर इज वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। तो बहुत सारे वेराइटी जो है ऑर्गेनिज्म्स जो प्रेजेंट है हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पे। प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कंट्रीब्यूट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रॉक्स एंड सॉइल, रॉक सॉइल एयर वाटर लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अवर बॉडी सराउंडिंग्स। सो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कंपोनेंट्स मतलब जो प्लांट्स एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीन ही बायोटिक होता है। और अबायोटिक मतलब जिसमें रॉक्स आते हैं, सॉइल आते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे बोलेंगे अबायोटिक थिंग्स, ठीक है। और लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें बोलेंगे बायोटिक थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, दे नीड फूड, दे रिस्पायर, दे एंड क्रिएट, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, दे रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनका खुद का कॉमन कैरेक्टर सीख होता है, वो उनको खाना चाहिए होता है, उनको पानी चाहिए होता है, वो रिस्पायर होते हैं, वो क्रिएट होते हैं, रिस्पॉन्ड एडेप्टेशन, ए डी ए पी टी ए टी आई ओ एन एडेप्शन एडेप्टेशन। फिर एक्वाटिक हैबिटेट, ए क्यू यू ए टी आई सी एच ए बी आई टी ए टी एक्वाटिक हैबिटेट। बायोटिक कंपोनेंट, बी आई ओ टी आई सी सी ओ एम पी ओ एन ई एन टी बायोटिक कंपोनेंट। एक्सक्रीशन, ई एस सी आर ई टी आई ओ एन एक्सक्रीशन। ग्रोथ, जी आर ओ डब्ल्यू टी एच ग्रोथ। हैबिटेट, एच ए बी आई टी ए टी हैबिटेट। लिविंग, एल आई वी आई एन जी लिविंग। रिप्रोडक्शन, आर ई पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन रिप्रोडक्शन। रिस्पायरेशन, आर ई एस पी आर पी आई आर ए टी आई ओ एन रिस्पिरेशन। स्टिम्यूलस, स्टिमुलस को लोग बोलते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस, तो स्टिमुलस नहीं है वो, स्टिमुलस है, स्टिमुलस
स्ट्यूमुलस, क्या है स्ट्यूमुलस, STIMULUS। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है मैंने समझा दिया है पूरा अच्छे से, और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपको चैप्टर ना आधे से आधा भी चालू नहीं होता होगा, या तो कि आप करते, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।